कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर एक बार देश को संबोधित करेंगे। हमेशा की तरह पीएम मोदी रात 8 बजे ही देश से मुखातिब होंगे और सरकार की ओर से कोरोना को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताएंगे। इस दौरान लॉकडाउन पर भी अहम ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से आज लॉकडाउन के चौथे चरण का ऐलान किया जा सकता है। इस चरण में लोगों को ज़्यादा छूट दी जाएगी, साथ ही पीएम मोदी मजदूरों के पलायन और लॉकडाउन एग्जिट प्लान के मुद्दे पर भी चर्चा कर सकते हैं। इसके अलावा लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील की भी की जाएगी। कल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों के बीच हुई थी वार्ता। वैसे लॉकडाउन के तीसरे चरण की मियाद 17 मई को पूरी हो रही है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को देश के सभी मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन आगे बढ़ाने की वकालत की थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन खोलने की वकालत की थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने यह निर्णय राज्य के ऊपर छोड़ने के लिए कहा था। और वहीं सीएम के चंद्रशेखर राव का कहना था कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई जैसे महानगर कोरोना के रेड जोन और सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाकों में आते हैं, और इन शहरों से ट्रेनों को चलाया गया तो वायरस तेज़ी से फैलेगा और संक्रमितों की संख्या में उछाल आएगा। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी। कोरोना लॉकडाउन के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से 17 मई के बाद की स्थिति को लेकर सुझाव मांगे हैं। बता दें कि 17 मई को मौजूदा राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का तीसरा फेज खत्म हो रहा है। केजरीवाल ने 12 मई को ट्वीट कर कहा, 17 मई के बाद क्या दिल्ली में लॉकडाउन में ढील देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कितनी ढील देनी जानी चाहिए। कृपया अपने सुझाव व्हाट्सएप करें या आप ईमेल करें।